खड़े मसाले अगर डायरेक्ट मुंह में फंस जाते हैं तो ये पोटली वाला सिस्टम ट्राई करिए। सारे खड़े मसालों की एक पोटली बनाइए, कौन सी चीज़ कितनी लेनी है ये सब YouTube डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, किस तरह से काटना है ये भी, सो बेटर गो थ्रू YouTube डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वीडियो में अच्छे से समझ नहीं आता है क्या चीज़ कितनी ली गई है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप YouTube डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। दो पेस्ट हम तैयार करेंगे, प्याज का और टमाटर का, कुछ इस तरह से। प्याज का पेस्ट रेडी होगा, फिर हमने टमाटर लेना है, टमाटर के पेस्ट को रेडी करना है, प्योरी। कुकर में बनाएंगे, कुकर मीडियम फ्लेम में रख के इसमें हमें तेल डालना है और मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है। पोटली को तेल में डाल के प्याज डायरेक्ट तेल में डाल के उसे भूनना है। बहुत अच्छी खुशबू और महक आने लगेगी जैसे ही आप ये मसाले को अंदर डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हिलाना है अच्छे से मसाले को। ये मसाला कुछ अलग तरीके से तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा। सारे मसालों को ऐड करके तेल डालना है और इसमें पानी डाल के इसको हल्का पेस्ट बनाना है ताकि नीचे जले नहीं। प्याज भुन रहा है अच्छे से, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही सुनहरा कलर आया है। इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर का कच्चापन निकल जाए तब तक इसे भूनना है पोटली के साथ। कसूरी मेथी भून लेंगे साइड में, तेज पत्ता ऐड करेंगे मसाले में इस वक्त, नमक, तेल छूटने से लग गया है मसाले में जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे मसाला, मसाले का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे गरम मसाला, हींग, ये सब ऐड करके इसे ढक के पकने देना है। मीडियम फ्लेम में बेहतरीन टेस्ट डेवलप होने तक इसे भूनते रहना है, तेल छूटेगा। कसूरी मेथी का पाउडर भी तैयार हो चुका है भुना हुआ, ये ऐड करेंगे तेल छोड़े हुए मसाले में। लाजवाब, रात भर भीगे चने स्ट्रेन कर लिया और ऐड किया मसाले में, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, मिक्स करके पानी ऐड करिए, कंसिस्टेंसी चेक करिए, मिक्स करिए मिक्सचर को और गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए। अब हाई फ्लेम में तेल छोड़ने तक इसे कायदे से पकाना है, अच्छे से पकाना है। धनिया पत्ती ऐड कर दें, इस वक्त ऐड करने पे उसका फ्लेवर बहुत उभर के आएगा। ग्रेवी की रंगत देखिए, बेहतरीन ग्रेवी आपको महक भी रही है और दिख भी रही है। तेल छूटने लगा है, अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड किया जाएगा कसूरी मेथी डालने के बाद, और ढक्कन लगा के छोले पकाए जाएंगे कायदे से, एकदम पंजाबी स्टाइल। धीमी आंच में मध्यम मध्यम एकदम छोले पकेंगे, बेहतरीन फ्लेवर उभरेगा। देख सकते हैं आप, लाजवाब, तेल छोड़ चुके हैं पूरा। अब इसमें नींबू डालेंगे हम, छोले रेडी है, अब इसमें मारेंगे तड़का फाइनल। बर्तन गर्म करना है, उसमें ये सारी चीज़ें, हींग, जीरा, घी में मारेंगे तड़का, इसीलिए शुरू में घी नहीं डाले थे। फ्लेम निकलने तक बेहतरीन तड़का बनाएंगे, जीरा, हींग, लहसुन, मिर्च, बेहतरीन खुशबू आ रही है। तड़का तैयार है और ये हमने तड़का डाल दिया छोलों के ऊपर, बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन टेस्ट। रेस्टोरेंट में क्या बनते होंगे जो छोले आप बनाएंगे अपने घर पे, ट्राई करिएगा ज़रूर इसे एक बार, जायका तो बनाने पे ही मिलेगा। फिलहाल इसे देख सकते हैं कि कितना लाजवाब ये तैयार हुआ है, बेहतरीन। ये एक स्टूडेंट ने प्रमोशनल वीडियो तैयार किया था टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ये तड़का लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जो कमेंट और मैसेज में मुझे फीडबैक मिला है, थैंक यू उसके लिए। डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू प्रिपेयर द डिशेज एंड यू लाइक इट। थैंक यू।